और मेरे चेहरे की खुशी से आप समझ गए होंगे मैं बहुत ही आराम से लेटी हुई, आराम फरमा रही हूँ। और लल्ला को देखो मस्ती कर रहा है। ये होटल वालों के साबुन चुरा के लेके जाएगा पक्का। हम लोग पहुंच गए हैं अपने रिजॉर्ट, हमारा फैंसी रिजॉर्ट, और कल से हमारी ट्रिप होगी शुरू, एक ही दिन की ट्रिप। शांति ज़्यादा एक्साइटेड है और छुटकू सा रूम है, अच्छा सा है, मतलब नीट एंड क्लीन है, अच्छा लग रहा है। हाँ, साफ सुथरा है। थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ पहले, ये रूम है हमारा मस्त सा, ये रहा गेट। यहाँ हम पानी पीने की कर रहे हैं तैयारी, और हमारे गर्मियों का पहला पंखा चल चुका है। ये गर्मियाँ शुरू हुई हैं, अब गर्मी लगने लग गई है। तो ये क्या पी रहा है भैया? ये सब ये का साबुन ले लो, इससे साबुन खा रहा है लल्ला। छींची है वो, कुछ और दे दो खाने के लिए। अच्छा ठीक 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 है, चॉकलेट वो ये बाकी टाइम में कोई आता नहीं होगा ना। वाटरफॉल से घूमने के बाद हम लोग पहुँचे अपने रिजॉर्ट, और पहुँच गए थे लगभग 3 बजे के लगभग पहुँचे थे। और जाके हमने पहले दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि थक भी गए थे, सुबह से निकले हुए थे, सोए भी नहीं थे ढंग से। फिर शाम को सोचा चलो जाके देखते हैं रिजॉर्ट कैसा है। तो मुझसे पहले ये दोनों निकल आए थे और यहाँ पर मस्ती कर रहे थे, मैं उनको ढूंढते ढूंढते पहुँच गई थी। लगभग शाम को ना 5 या 5:30 का टाइम हो रहा था और ये लोग यहाँ देखे थे मस्ती कर। सो एक्साइटेड, यू आर सो एक्साइटेड। अच्छा ये क्या कर, हाँ ये टच कर लो कर लो। हाँ अपने नए शूज दिखा दो जिनका तुमने कबाड़ा कर दिया एक ही दिन में। अच्छा अच्छा, मुझसे बात भी नहीं करेगा कोई, इतना मजा मजा आएगा, इसी स्विमिंग पूल में तुम्हें डाल दिया जाएगा। अरे वाह, इतनी खुशी, वहाँ रैबिट है। शाम को अभी बज रहे हैं 5 और हम लोग थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करके बाहर आ गए रिजॉर्ट को, थोड़ा सा देख रहे हैं कि रिजॉर्ट में और क्या क्या है। तो यहाँ है ये स्विमिंग पूल, ये दोनों बाप बेटे मुझे यहीं मिले हैं, और वेद को बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है, खुदा फांदी कर रहा है। और बैठने बैठने की भी जगह है, ऐसे तो अच्छा है। भागू भागू कारी, भागू भागू कारी, इधर इधर इधर, कम हियर लल्ला, कम दिस साइड प्लीज, भागू भागू करी। लड़कू लड़कू है गई, लल्ला की लड़की है गई, किन्नी लड़कू पिन्नी लड़कू लड़कू गिरी गिरी। तो ये जो काजीरंगा वाली ट्रिप है ना, यहाँ जाने के 2 रीज़न्स, एक तो पहले हम गए भी नहीं थे, उसके अलावा 2 रीज़न्स ये थे कि एक तो वेट थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो जब छोटा था तो हम कहीं आ जा नहीं सकते थे, इसलिए ज़्यादा कहीं जाते नहीं थे कि उसको कैसे संभालेंगे, 2 लोग हैं। अब वो चलने भी लग गया है, खेलने भी लग गया है, तो हमने सोचा छोटी सी ट्रिप प्लान करते हैं और देखते हैं ये हमें भी इंजॉय करने देता है या नहीं। तो मुझे लग रहा है कि हम नेक्स्ट ट्रिप कभी भी जा सकते हैं, कभी भी घूमने जा सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इन्जॉय करता है। और दूसरा रीज़न ये था कि मेरा ना बर्थडे था 18 मार्च को, मैं बहुत टाइम से मेरे हस्बैंड को बोल रही थी आप मुझे क्या देने वाले हो गिफ्ट में, आप मुझे क्या देने वाले हो। तो जब वो उन्होंने ये ट्रिप प्लान की ना, तो उन्होंने बोला यही तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, अब मुझसे बर्थडे गिफ्ट मत मांगना। तो उन्होंने ना सस्ते में निपटा दिया है मुझे। और वेद का मुँह देखो रैबिट देखने के बाद, पहले आते ही मियाऊ किया था इसने। हाँ, इसे बिल्ली लगी होगी। इट्स नॉट मियाऊ, नो मियाऊ नहीं है, रैबिट है, रैबिट छोटी है, छोटी सा है, और ढूंढ रहा है और कुछ। तुम भगाओगे ऐसे तो जाएंगे, बुला लो आ जाओ। मैं और वेदांत ना इसी फिराक में थे कि खरगोश ना हमारे पास आए, थोड़ी सी घास वास खाएं, और सच में वो आ भी गए थे। वेदांत तो भाई इतना खुश था बहुत ज्यादा। लो लो घास खिला दो, आप खिलाओगे? लो खिला दो, खिला दो, खिला रहा है, कभी खिला रहा है। मैं खरगोश को घास डाल रही हूँ। हम खरगोश को घास डाल रहे हैं, घास, हम बाकी किसी को घास नहीं डालते। चला कदो 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 चला। हाँ खरगोश, लो खिला, खिला दो, खिला दो,
खिला दो, ऐसे खिला दो, खिला दो, खिला दो, इसकी लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ना अंधेरा होने लग गया था शाम के टाइम पे, जो खरगोश की देख रेख करते हैं ना भैया वो आए और उनको ना अंदर उनके घर के अंदर रख रहे थे खरगोश को, लेकिन खरगोश ने इतना तंग कर दिया बेचारे, भाग भाग के परेशान हो गए उनके पीछे। अब बज गए 5:30, यहाँ अंधेरा होना शुरू हो गया है, लाइटिंग ऑन हो गई, अच्छा लग रहा है और सबसे ज़्यादा हमारा बेटा ही इंजॉय कर रहा है। अब मुझे लग रहा है इसको गंदी आदत डाल दी हमने, अब ये घुमक्कड़ और भी ज़्यादा घुमक्कड़ हो जाएगा। चलो, इसको बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है घूमने में। को के। मम्मा पकड़ ले हाथ। शाम होते ने लाइटिंग हुई ना, बड़ा सुंदर लग रहा था रिजॉर्ट, और यहाँ पे वेदांत ने एक नई फ्रेंड बना ली। ये दोनों खेलने में लगे, इन्हें कोई लेना देना नहीं मुझसे। हम फिर घर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपने रूम में, अब हम करेंगे अपना डिनर। वेद ने खूब खेला है, अंधेरा भी हो गया, तो इट्स टाइम टू गो इनसाइड द रूम। और कल सुबह जल्दी उठना है, तो काजीरंगा की ट्रिप के लिए वाला ब्लॉग बस इतना ही, अंधेरा हो गया है। चला से बाय से बाय, टाटा करियंस अ ब्यूटीफुल रूम। अरे ये सोच रहा है मुझे कमरे में फेर ले आई।